अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं कुकिंग कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ टिक्का बोटी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो गोश्त और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब मैं गोश्त धो रही हूँ। गोश्त को हमें बहुत अच्छे से धोना है। फ्रेंड्स, गोश्त को धोने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून दही। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शान टिक्का बोटी मसाला। मैं इसमें फुल पैकेट डाल रही हूँ, आप चाहें तो हाफ पैकेट भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप हाफ पैकेट डालें। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधा लीमू। लीमू को इसमें अच्छा सा निचोड़ लें। छोड़ने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, इसलिए आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 चुटकी के करीब। इसमें पहले से स्पाइसेस होते हैं शान के पैकेट में, तो इसलिए इसकी नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि बोटियों में मसाला अच्छे से लग जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और फिर अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। आप इसको जितनी देर मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी आपकी टिक्का बोटी बनेगी। तो मैं इसको 2 से 3 घंटे रख रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें इनके लिए भी इसको मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं फ्रिज में। फ्रेंड, टिक्का बोटी मैरिनेट हो चुकी है और अब मैंने इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है और अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी। ये 15 से 20 मिनट में पक जाएगी। फ्रेंड, टिक्का बोटी बन चुकी है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।